हाय वेलकम। मेरे कुछ हेल्थ के इशू थे जिसकी वजह से मैं रीडिंग काफ़ी टाइम से नहीं डाल पा रही थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मेरा हेल्थ में काफ़ी सुधार है, तो अब मैं आपके लिए वापस से रीडिंग्स लेके आ चुकी हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स की, नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे एंड कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, जैसे आपको पता है। एंड जिस वक्त भी देखोगे उस टाइम की करंट फीलिंग्स हैं ये, जिस भी वक्त देखोगे आप, टाइमलेस है बिल्कुल। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। ठीक है, टू ऑफ वैंड, फाइव ऑफ स्वोर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वोर्ड्स बॉटम पे है, टेम्परेंस। आप लोगों की लड़ाई हुई है आई थिंक, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों ही एक दूसरे से पीट करके बैठे हुए हो, ठीक है। लेकिन आप मेरे ख्याल से ज़्यादा, मेरे को दिख रहा है कि आपने ज़्यादा पीट करी हुई है, मतलब आप ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को। माना यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो उनको, बिल्कुल रूडली कि आई डोंट केयर, बाड़ में जाओ, है ना। एंड कहीं ना कहीं आपने एक स्पेस लिया है, हेल्दी स्पेस लिया है, है ना। तो आप अभी सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर, एंड आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोल्ड वार हुआ आई थिंक आप लोगों के बीच में किसी वजह से, मिसकम्युनिकेशन लगा लो आप, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो। टू ऑफ वैंड्स को क्लियर कीजिए सर। टावर, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए सर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए। लवर्स, टेम्परेंस को क्लियर कीजिए। हाई प्रिस्टस बॉटम पे है, स्ट्रेंथ। ओके, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जैसे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग लड़ाई हुई है आपके बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग कि काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है आप दोनों के बीच में। बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आप लोगों के बीच में आग लगाई, आप ये लगा लो किसी ने बीच में आके आग लगाई है, किसी ने आप लोगों को तोड़ा है, थर्ड पार्टी ने, एंड आपको पता भी नहीं है वो चीज़। किसी ने जानबूझ के आप लोगों की सेपरेशन कराई है। अब आप ये लगा लो ये डिवाइन हो सकते हैं, बिकॉज आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आपकी ग्रोथ के लिए, या तो डिवाइन ने कराया आपका ये सेपरेशन ताकि आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है ना, अपनी सोल लेवल पे आप आगे बढ़ो, अपने करियर में आगे बढ़ो। या तो ये डिवाइन का प्लान था, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने बीच में घुस के पंगे लिए हैं जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन पे हो, जिसकी वजह से डिवाइन ने बीच में अपना, आपको आगे बढ़ने के लिए बीच में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन हुई है, ताकि आपका रिलेशनशिप या आपका कनेक्शन एक हाई लेवल पे जाए, आप सोल लेवल पे अनकंडीशनल लव करना सीखो,
एंड आप अपने सोल की ग्रोथ कर पाओ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं हो तो रीडिंग आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ये सेपरेशन इसलिए हुआ है आप लोगों का बिकॉज आप इस कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। एंड आपके पार्टनर की अगर आपको करंट फीलिंग्स जानी है तो वैसे तो ट्विन फ्लेम्स को नहीं देखनी चाहिए या स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले को, बिकॉज इन लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना, ठीक है, अपने चक्रास पे वर्क करना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ठीक है, अपने सोल को ना अपलिफ्ट करना, एसेंशन हासिल करना, एनलाइटमेंट तक जाना, इनका यही मकसद होता है, मोक्ष प्राप्त करना, अर्थ पे कुछ करने आए हैं, अपना सोल पर्पस जानना, उसके लिए काम करना, ठीक है ना, ना कि अपने पार्टनर को चेस करना, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप लोग इस कनेक्शन में सच में हो तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे में इतना खो गए थे या फिर एक बबल फेस होता है ना, क्या पता उससे निकल रहे हो एंड अचानक से डिवाइन ने बूम कर दिया एंड जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो गए हो। आपके पार्टनर अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, एंड आप कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ पे लगे हुए हो जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे DF की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना, डिवाइन फेमिनाइन, तो आप लोग अपनी ग्रोथ पे लग चुके हो। आप मेरे ख्याल से अपने काउंटर पार्ट से डिटैच होने की पूरी कोशिश कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ने साइन दे दिया है कि यस आप इस कनेक्शन में हो तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, तो वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड आपने अपने अंदर की माँ शक्ति या फिर जो स्ट्रेंथ है उसको जगाना शुरू कर दिया है, आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ी है पहले से काफ़ी, आप लोगों में सुधार आया है, ठीक है। तो करंटली तो अभी आपके पार्टनर जो हैं सोशल मीडिया पे आप पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है उनका, आपकी तरफ आपके पार्टनर्स आप लोगों के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। पर डिवाइन अगर चला रहा है इस कनेक्शन में तो आपको पता ही है हम ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, ये सब हमारा इनर वर्क ही है। बाकी देख लेते हैं उनका कोई नेक्स्ट सेक्शन है आपके लिए नहीं। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, बॉटम पे है पेज ऑफ कप्स। ओके, जब फाइनली आप लोग बिल्कुल डिटैच कर जाओगे अपने पार्टनर से, ठीक है, बिल्कुल डिटैच कर दोगे तो फाइनली वो आपको कोई मैसेज करे या फिर आपका रियूनियन हो, जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी होगी, बिल्कुल आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बाद जाके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे मैसेज करेंगे या छोटा सा जेस्चर आपको दे सकते हैं, मतलब एक मैसेज छोड़ देंगे, हाय हेलो हाउ आर यू, बस, और वो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। अगर आप डिटैच हो गए कम्प्लीटली, आपको आपके पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी ना, उस वक्त आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और पहला एक्शन वो आपकी तरफ लेंगे रियूनियन के लिए, ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आई थिंक आपको ना गिव अप कर देना चाहिए, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पे, टोटली आपको टोटली डिवाइन पे इस कनेक्शन को सरेंडर कर देना चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना है। जितना आप खुद ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाओगे, अपनी सोल ग्रोथ, अपने करियर में आगे बढ़ते जाओगे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे, उतना जल्दी आप लोग अपने पार्टनर से रीयूनाइट हो पाओगे। जब आप अपने सेल्फ लव पे और इनर वर्क पे लग जाओगे तब जाके, एंड अगर आप चेजिंग मोड में रहोगे तो फिर तो आप इन्हीं चीज़ों में स्टक रह जाओगे। तो फिर आज फिर ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए रीडिंग आ गई है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने इस
सोल पर्पस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर को चेस करना बंद कर दीजिए, उनकी एनर्जी जानने की क्यूरियोसिटी आप में कम होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि मत देखो, देखो बट कम, ऑब्सेशन से बाहर आना है, चेजिंग से बाहर आके खुद पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जीज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।